दोस्तों, पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए, पेट की जलन, गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए, गर्मियों के मौसम में आपके पेट को ठंडा रखने के लिए ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जो सभी के घरों में बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीजों से बनता है और आपके पेट के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आपने बताए गए तरीके से सप्ताह भर इसे आजमा लिया तो यह समझ लें कि आपकी जितनी भी गैस, एसिडिटी, कब्ज, भूख ना लगना, खाना ना पचना ऐसी समस्या है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी किचन में से आपको जीरा ले लेना है, जिसका उपयोग आप सब्जी वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, बेहद ही फायदेमंद है आपके पेट के लिए। बस एक चम्मच जीरे से भी अगर आपने नुस्खा बनाकर रख लिया तो 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस के ऊपर आप कोई भी स्टील का बर्तन रख ले, चाहे आप कढ़ाई ले लें या फिर आप पतीला वगैरह ले लें, थोड़ा सा बड़ा बर्तन होना चाहिए। अब मैं आपको ये एक बार बनाकर दिखा देती हूँ 10 दिन के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 चम्मच जो आपके घर में खाना खाते हैं आप वो चम्मच ले लें और 3 चम्मच भरकर यहाँ पर जीरा डाल दें। इससे ये एक साथ 10 दिन के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे ज्यादा बनाकर रखना चाहें तो आप ज्यादा जीरा एक बार में भूनकर रख सकते हो। बाकी इससे ज्यादा दिन के लिए आप एक बार में नहीं बनाएं। 3 चम्मच जीरा लेने के बाद में गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पर 1 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर जीरा भून लेंगे। जीरा जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तभी तक आपको इसको भूनना है। ध्यान रहे आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो जीरा जो है जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। भूनते समय एक बात ध्यान रखें, गैस की आंच फुल नहीं करें और जीरा जो है ना इसको बिल्कुल काला नहीं कर देना है हमें। बस ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तभी तक भुने। जब आपको लगे जीरा इस तरह से भूनते हुए इसमें कलर आ गया है और अच्छी सी खुशबू उठने लगी है, बस इतना ही आपको इसको भूनना है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके अंदर आप डाल दें 1 लीटर पानी, कम से कम 1 लीटर पानी अभी आप डाल दें। एक बड़ी बोतल भरकर इसमें डालें। पानी डालने के बाद में अगला प्रोसेस क्या है दोस्तों, जैसे हमने 3 चम्मच जीरा भून कर लिया था तो अब इसमें 1 चम्मच जीरा कच्चा डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो जीरा है ये आपके हाजमे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आपको फ्लेवर भी अच्छा मिलेगा और इसके जो फायदे हैं वो आपको 4 गुना ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कच्चा जीरा भी आपके पेट के लिए अच्छा होता है और भुना हुआ जीरा भी आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये आपके पेट की गैस को, जलन को, एसिडिटी को शांत करता है और गैस की जो समस्या होती है ना उसको तो ये जड़ से खत्म कर देता है। तो अब इसको कम से कम हमें 5 मिनट बॉईल करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत देर तक बॉईल करते रहेंगे, फुल आंच कर देंगे। जब सारी चीजें डालने के बाद में इसमें उबाल आ जाएगा तब आंच को धीमी करके 5 मिनट तक पकाएं। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसका कलर आपको पूरी तरह से चेंज मिलेगा। 5 मिनट आप टाइम देखकर इसे पका लेना, बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। जब पकते पकते इसको 5 मिनट हो जाएं तो आप गैस का फ्लेम बंद करके इसको ऐसे ही छोड़ दें ढक्कन लगाकर, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आए इतनी देर आप इसे छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ठंडा हो गया है ये। अब एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसको पीस कर तैयार करेंगे, लेकिन इसमें पानी ज्यादा है ना तो पहले हम एक बर्तन में अलग से इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद में जो जीरा बचा है और उसमें थोड़ा सा पानी भी रख लेंगे 1 गिलास के आसपास। इसको हम बड़े जार में पीसेंगे, जो मिक्सर का बड़ा वाला जार होता है जिसमें जूस वगैरह या शेक वगैरह बनाते हैं उसका इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि इसमें करीब 1 गिलास पानी हमने रख लिया है। तो बड़ा जार लेकर इसको पीसेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। इसको हमने पीस लिया है, जितना हो सके इसको बारीक कर लिया है, इससे ज्यादा और बारीक ये नहीं हो रहा है। तो बस इसको हम बर्तन में निकालेंगे और जो पानी हमने इसका निकाला था ना अलग से वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये पानी डालने के बाद में अभी इसको छान लेंगे। कई बार तो क्या होता है किसी जार में बिल्कुल बारीक हो जाता है तो आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे भी आपके पेट के लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं करता है। और अगर आपको लगे इसके अंदर हल्के फुल्के जीरे के कण बच गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से इसे छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है, भूख नहीं लगती, गर्मियों के मौसम में इससे अच्छा ड्रिंक आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। चाहे आप बाहर से कितने भी महंगे ड्रिंक लाकर पी लें लेकिन वो आपको फायदा नहीं देते। ये बनाकर रख लेना आप और 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करना। आप बोलेंगे कि आपने क्या शानदार नुस्खा बताया है, पेट के लिए बेहद ही रामबाण है।
बस छानने के बाद में आपको क्या करना है, छानने के बाद में एक चम्मच भरकर जो सब्जी बनाते हैं बड़ी चम्मच या चमचा, वो एक चम्मच भरकर आप ये जीरे का जो पानी बनाकर तैयार किया है ये ले लें। इसके बाद में इसमें आपको एक चौथाई छोटी चम्मच काला नमक ऐड करना है। अगर आपका हाजमा गड़बड़ है तो काला नमक आपको इस जीरे के पानी के साथ यूज करने पर बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। थोड़ा सा इसमें आप सफेद नमक भी ऐड कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। इसके बाद में आपको क्या करना है, गर्मियों का मौसम है तो अगर इसे आप ठंडा ठंडा लेंगे तो आपको और ज्यादा राहत मिलेगी, तो थोड़ी सी आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हो। अगर किसी को गर्मियों में जुकाम खांसी वगैरह की शिकायत है तो वो आइस क्यूब को अवॉइड कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में डालेंगे हम नींबू, छोटे साइज का एक नींबू या बड़े साइज का आधा नींबू, आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना खट्टा आपको अच्छा लगे उतना आप इसके अंदर नींबू डालें। नींबू भी आपके पेट की आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसको सूट होता है वह इसमें नींबू भी डाल सकता है। ये चीजें डालने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसमें मीठा भी ले सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन बता रही हूँ ताकि ये हेल्दी भी रहे और जिसको जैसा स्वाद पसंद है वैसा बनाकर ही आप ले सके। जैसे डायबिटीज शुगर वाले मीठा नहीं ले सकते हैं तो वह इसमें मीठा ना डालें। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो उसमें एक चम्मच जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उस मिश्री का पाउडर डालना दोस्तों। ये पेट की गर्मी को खत्म करती है और पूरी बॉडी में ठंडक देती है, इसलिए अगर आप पेट को सही में ठीक करना चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री लाकर उसका पाउडर बनाकर रख लें और जब भी आपको मीठा खाना हो किसी चीज में डालकर तो उसका इस्तेमाल करें। अब इस ग्लास को पानी से पूरा भर लें, जो नॉर्मल पानी होता है ना वो ही लेना है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद में ये आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है दोस्तों। आप बोलेंगे कि आपका जो पेट है 10 दिन में एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम सही हो गया, ये सारी समस्या आपके पेट की जो है खत्म हो जाएगी। रोजाना आपको इस तरीके से, और गर्मियों में अगर आप इसका सेवन हमेशा कर लेते हैं ना चाय की जगह पर, तो ये जो दिक्कत है ना आपकी जड़ से खत्म हो जाती है दोस्तों हमेशा के लिए। तो ये था हमारा आज का पेट के लिए बेहद ही रामबाण नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।